स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिम तक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की जो भर्ती होने वाली, भारत की सबसे बड़ी जो 2019 की जो BSF की भर्ती होने वाली, इसकी आज नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कुछ टाइम पहले। वैकेंसी कौन सी भरी जाएंगी, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई कर सकता है, फीस क्या होगी, पूरी जानकारी हम आपको लास्ट तक देंगे। तो शॉर्ट वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी हम दे सकें। तो पे स्केल की बात करेंगे तो पे स्केल होगा 25,500 से लेकर 81,100 पर मंथ, ये 7 CPC में आपको लगेगा। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट हम आपको बता देंगे, लास्ट तक देखिएगा। अदर अलाउंस कौन कौन से मिलेंगे आपको, वो आपकी स्क्रीन पर है। ये DA मिलेगा आपको, राशन मनी ड्रेस अलाउंस, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही। जो मेन है कि वैकेंसी कौन सी भरी जाएंगी, तो 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री पर आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी। पोस्टें कौन सी होगी, HI जो इसमें हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्टें होगी, हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्टें भरी जाएंगी। तो हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। अब कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो HCRO है इसके लिए हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी, 20% इसमें जनरल के लिए होगी। और EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो इसके लिए ये 2% और पोस्ट इसमें 10% रिजर्व होगी। OBC के लिए कितनी पोस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये 10%। ESM के लिए 5% जो CA, और रिमेनिंग जो वैकेंसी होगी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही। जनरल की 172 होगी, EWS की 20 है, OBC की कोई नहीं है, SC की कोई नहीं, ST की कोई नहीं है, और टोटल है ESM की 22 होगी, CA की होगी 11, और जो टोटल बनेगी इसके बाद जो अगली वैकेंसी है रिमेनिंग वैकेंसी इसमें 192। अब जो HCRM है रेडियो मैकेनिक के लिए, इसके लिए जो 493 वैकेंसी भरी जाएंगी। और SC की कितनी है, ESM की 57 होगी, 5% जो CA की, 30 ये पोस्ट ये भरी जाएंगी। पूरा जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है डायग्राम, इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो 25% ये कोटा गेंस डिपार्टमेंटल BSF सर्विंग पर्सनल के लिए जो वैकेंसी इसमें ये भरी जाएंगी। तो इसके लिए जो वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जनरल की 67 है, EWS की 8 है, SC OBC और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल जो 75 इसमें बताई हुई है। और पूरा जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको आप देख सकते हैं किसके लिए क्या हुआ है। और एक्स सर्विसमैन ESM का, एक्स सर्विसमैन CA का कंपेंसेट अपॉइंटमेंट करना मूलक आधार पर CA, 5% इसके लिए रिजर्व होगी, या दया दृष्टि पर जो जॉब मिलती है, जिनके फादर BSF में थे या जिनके पेरेंट्स में से कोई BSF में एक्सपायर हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उनके लिए कि 5% रिजर्व होगी। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास, UR अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की EWS, तो ये फुल फॉर्म बताई हुई है आपको, इसको आप देख सकते हैं। नोट्स को इसमें कुछ बताया हुआ है आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, कौन किसके लिए कितनी वैकेंसी इसमें रिजर्व है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जो सिलेक्शन होगा आपका, रिक्रूटमेंट डेट्स जो है, इसके लिए आपका जो फर्स्ट पेज होगा रिटन टेस्ट जो आपका BSF का ये होगा, वो होगा आपका 28 जुलाई 2019 को। और आप मुझे बताता है आप देख रहे हैं कि आपको क्वालिफिकेशन देखने की, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये आपका जो रिटन टेस्ट है इसका 28 जुलाई 2019 को होगा। और नोट जो इसमें आपको OMR शीट मिलेगी, क्या क्या होता है पूरा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेकंड फेज जो इसमें PST PAT ये होगा आपका, और कब होगा वो 9 अक्टूबर 2019 को, डेट आपकी स्क्रीन पर बताई हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर डेट आ रही है इसकी। और जो डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट 24 नवंबर 2019 को आपका होगा, हेड कॉन्स्टेबल RO और HCRM के लिए ये। थर्ड फेज जो आपका होगा ये होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन 30 जनवरी 2020 को ये होगा। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका वो होगा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टोटल मार्क्स कितने होंगे किस पोस्ट के लिए और कैसे आपका सिलेक्शन इसमें होगा। जो मेन है इसमें वो हम आपको बता देते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी में आप देखिएगा ये सीरियल नंबर 4 जो है आपके, अगर 10वीं पास से अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या 2 ईयर इंडस्ट्री ट्रेनिंग ITI का आपके पास
रेडियो एंड टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर डाटा ऑपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जन इलेक्ट्रॉनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर या ये डिप्लोमा पढ़े हुए है 2 साल का, ठीक है। 2 साल के अगर आपके पास है 10th तो आपकी होनी चाहिए, और इसके साथ ये 2 साल का आपके पास इसमें से जो भी मैंने आपको बताया डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, और ये डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं आपके पास तो फिर उसके बाद जो ये है आपके पास प्लस टू पास होने चाहिए आप इंटरमीडिएट में, और इसके साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपकी ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और एग्रीगेट जो मार्क्स हो गए आपके वो 60% 60% होने चाहिए इन PCM सब्जेक्ट में, तो ये आपके है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैंड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। और इसके बाद जो अगली वैकेंसी इसमें रेडियो मैकेनिक की, तो इसके लिए भी आपको 10th पास चाहिए, और इसके लिए भी आपको 2 साल की ये ITI मांगी हुई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट कौन कौन से चल पड़ेंगे इसमें तो वो हम आपको बता देते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर का, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, डाटा प्रिपरेशन का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की सॉरी तो फेटर की अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी की या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस की, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर हार्डवेयर की ये बताई हुई है, तो पूरी जो क्वालिफिकेशन है एक बार हम आपको बता देते हैं, ये आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको बताइए। आपके पास 10th पास होने चाहिए आप 10वीं पास, और इसके बाद 2 साल के ITI और जो ट्रेड हो गया ITI के वो आपकी स्क्रीन पर इस कॉलम में आ रहे इसमें। और मान लो ये नहीं आपके पास तो फिर अगर आप प्लस टू पास है और उसके बाद आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट थे और 60% आपके नंबर है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब जो मेन है एज लिमिट क्या चाहिए इसके लिए, तो एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच अगर आप हो जनरल कैटेगरी वाले तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज की जो गणना होगी या आप काउंटिंग होगी वो होगी 26 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो 12 जुलाई 2019 को आपकी जो ये क्लोजिंग डेट है इसकी, और जो मेन इसमें कि आपकी एज जो है 18 से 28 OBC वालों के लिए चाहिए इसमें, 18 से 28 साल तक OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और एज जो एज आपकी इसमें बताई हुई है ये 12/6/2019 को आपकी काउंटिंग होगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। OBC के लिए चाहिए 18 से 28 साल, जनरल वाले 18 से 25 और SC/ST वाले 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप पर रिलैक्सेशन दी हुई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी रिलैक्सेशन है, BSF सर्विंग एंड बिलिंग कॉन्स्टेबल JD ट्रेड्समैन भी 3 ईयर रेगुलर सर्विस एज एक 1 लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर कैटेगरी वाइज अपर एज रिलैक्सेशन एज अंडर, तो उसमें बताई हुई है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल होगी और OBC के लिए 43, ये सिर्फ BSF वाले जो है जो उनके लिए ये दी हुई है जो सेवा कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन में आपको पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। आप जो इसमें बताया हुआ कि एक्स सर्विस मैन के लिए किया, तो एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल का आपके ये बताई हुई इसमें आपके पास मिलिट्री सर्विस के बाद आप 3 साल तक फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद 3 साल की आपको छूट होगी। तो मिलिट्री के लिए और जो एक्स सर्विस मैन के लिए उनको क्या क्या चाहिए, 8 साल की छूट होगी SC वालों के लिए, 8 साल के ST के लिए। इसके साथ साथ जो डिपेंडेंट फैमिली है उनके लिए भी इसमें दिए हुए हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन ब्रदर और सिस्टर इन द केस अनमैरिड विक्टिम हु हैज़ होली डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम एट द टाइम ऑफ इज गेटिंग द राइट्स वुड बी एलिजिबल ऑर्डर टू एलिजिबल टू अपर एज रिलैक्सेशन, तो इसमें बताया हुआ है आपके लिए भी इसमें 5 साल की इसमें छूट होगी किन के लिए, ये जम्मू कश्मीर के जो राइट्स में जो दंगे परिवारों में परिवार जो शहीद हुए या इफेक्टेड फैमिली है उनके लिए इसमें छूट होगी। जो मेन आपके लिए कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसमें क्या क्या चाहिए, तो मेल के लिए जो चाहिए इसमें वो चाहिए 188 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट जो आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट जो आपका वो आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। अब जो फीमेल इनके लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर
और चेस्ट और वेट इसमें कोई नहीं बताया हुआ, तो वो आपको वेट जो आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए। और पूरा जो जानकारी इस नोट 1, 2, 3 जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, किसके लिए क्या। नागालैंड मिनिमम हाइट फीमेल कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गरावाल, कुमाऊ और गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट, तो इनके लिए क्या क्या दिया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के लिए क्या क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर ये कॉलम आ रहा है, इसके लिए आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी। अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसके लिए क्या क्या चाहिए तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुके हैं इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी एक्स सर्विस मैन के लिए क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। टोटल टैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिलेगी आपको, और क्या क्या होगा इसके लिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब जो कंपैसिनेट अपॉइंटमेंट्स होगी, मीन्स करना मूलक आधार पर जो आपकी रिक्रूटमेंट या आपका इसमें सिलेक्शन होगी, जिनके फादर या जो भी लोग आश्रित परिवार है BSF के, उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। उनके 5% उनके लिए सीट्स रिजर्व होगी, 5% वो भी इसमें सिलेक्ट होगी। फॉर BSF सर्विंग पर्सनल के लिए क्या है, तो पर्सन के लिए क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और मेथड ऑफ सिलेक्शन ये आपको बताया हुआ कि किस में क्या चाहिए, तो रिटन एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड ट्रेनिंग टेस्ट आपका होगा, इसके लिए हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, तो इसमें 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और कितने क्वेश्चन हो गया और क्या क्या होगा इसमें पूरी जानकारी आपको बताई हुई। पार्ट वन में आपको बताया हुआ है ये सिलेबस होगा, फिजिक्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 14, 18 मार्क्स आपके हो गए, और मैथमेटिक्स के हो गए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स हो गए। और पार्ट थर्ड जो केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, और 40 मार्क्स आपके इसके मिलेंगे, और पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप पढ़ सकते खुद। तो इसमें ये नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 0.50 मीन्स कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत होते तो जो 1 क्वेश्चन आपका सही होगा वो भी गलत हो जाएगा इसमें, और पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो सेकंड पेज जो आपका होगा कि क्या आपने करना है इसमें, तो शॉर्ट इसमें जो सेकंड पेज है इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाइंग OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट सेल बी परमिटेड टू अपियर इन द नेक्स्ट पेज PSTET पैट में आपका होगा इसमें। और प्रीलिम एग्जाम स्क्रीनिंग होगी आपकी इसमें, हाइट, चेस्ट और इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका जो मेन आपके लिए। इसमें 1600 मीटर रेस होगी आपकी, 6.5 मिनट का आपके लिए टाइम होगा, यही आपको 1 मिनट का फ़ायदा मिलता है इसमें। और आर्मी में जो होता है आपको पता है 5.5 मिनट का टाइम होता है, 800 मीटर आपके लिए ये कंप्लीट करनी होगी, गर्ल्स के लिए रेस होगी 800 मीटर और 4 मिनट में लड़कियों के लिए कंप्लीट करना जरूरी है। लॉन्ग जंप होगा लड़कों के लिए 3.65 मीटर, और आपको 3 चांस इसमें मिलेंगे, 9 फिट ये लड़कियों के लिए होगा, और सेम इसके चांस मिलेंगे आपको कि कौन सी कैटेगरी के लिए और कौन सी कैटेगरी के लिए क्या। इसमें कैटेगरी कुछ नहीं आएगी, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग चांस है, सिर्फ रेस अलग होगी, और हाई जंप कितना होना चाहिए वो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स की, ये आपको उसमें बताया हुआ, वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और पूरी जानकारी के लिए आप वेबसाइट जो BSF के आप उस पर जाकर वो जानकारी ले सकते हैं। और रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न जो आपका होगा आप उसमें बताया हुआ कि क्या होगा आपका, तो इसमें आपकी स्क्रीन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये थी जानकारी आपके लिए जो जरूरी थी वो सोचना हमने आपको दे दी है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, तो इसलिए जो भी आपको जानना है। अब जो मेन है हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन फीस क्या है वो हम आपको बता देते हैं। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और OBC से जो है उनके लिए 100 रुपये ये फीस आपकी होगी, 100 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। और आप ऑनलाइन जैसे भी इंटरनेट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम से आप अप्लाई, ये जो आपकी फीस है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा हमारे साथ, जो चैनल हिम तक पर आप जुड़िएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते रहेंगे। तो आपने अप्लाई करना है,
12 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेम ऑफ सेंटर क्या क्या हो गया, रिक्रूटमेंट सेंटर वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ताकि जो भी आपका सिलेक्शन होना है आपको पता हो सके कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। ये जलंधर, राजस्थान, गुजरात, पलारिया कैंप और श्रीनगर, इसमें बताए हुए साउथ बंगाल, ये कैंप, ये जो आपका सिलेक्शन सेंटर हो गए, नॉर्थ बंगाल गुवाहाटी, उसके बाद प्रिंटेड HQ हेडक्वार्टर BSF, तो ये आपके सेंटर हो गए इंदौर, हिसार और पूरी जो जानकारी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस प्रकार से आपको ये सेंटर आएंगे। तो ये मैंगलोर कैंप, तो ये BSF के जितने भी आपका जो सिलेक्शन होगा इन्हीं कैंप्स के और जो ये सेंटर हैं इनके थ्रू आपका ये सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई हो जाते। आज के लिए इतने, नमस्कार दीजिएगा, ज़्यादा धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय BSF।